दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। इसी तरह से आंखों का एक रोग होता है जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को गलाने की ताकत अगर दुनिया में किसी चीज में है तो वो कांदे के रस में। बिना ऑपरेशन अगर आपको आंखें ठीक रखनी है तो कांदे का रस सतत आंखों में डालिए। जिंदगी भर आप चाहते हैं कि आंखों को चश्मा ना चढ़े और कभी भी आंखें आपकी खराब ना हो तो कांदे का रस आप अपनी आंखों में डालिए। आप में से किसी को भी मोतियाबिंद हो गया हो और आप नहीं चाहते कि आपका ऑपरेशन हो या आपके पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं है तो आप कांदे के रस से मोतियाबिंद को गला सकते हैं और आंखें ठीक कर सकते हैं। इसको कितने दिन लेना है, कैसे लेना है, इसका सूत्र मैं बता देता हूं। कागज पेन हो तो लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आएगा। एक चम्मच पांडरे कांदे का रस। देखिए कांदा एक ही काम का है जिसको पांडरा कांदा कहते हैं, ये लाल वाला किसी काम का नहीं। औषधीय गुण जो है वो सफेद प्याज में ही है, पांडरे कांदे में ही है, लाल वाले में कोई औषधीय गुण नहीं है। वो तो खाने के लिए आप खा सकते हैं, औषधीय गुण उसमें नहीं है। औषधीय गुण जो है वो पांडरे कांदे में ही है। तो पांडरे कांदे का एक चम्मच रस ले लीजिए। एक चम्मच इसमें नींबू का रस मिला दीजिए। एक नींबू आता है जिसको बेदाना नींबू कहते हैं, जिसमें ज्यादा बीज नहीं होते, वो बहुत अच्छा है। तो एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच पांडरे कांदे का रस। फिर इसमें आप मध मिला दीजिए, लगभग 3 से 4 चम्मच मध। और इसी में एक चम्मच गुलाब जल मिला दीजिए। ये चारों को मिलाकर एक बाटली में भर के रख लीजिए और खूब अच्छे से हिलाकर एक एक थेम आंख में डालिए। एक महीने लगातार डाल दिया तो मोतियाबिंद आपका कट के निकल जाएगा। गुलाब जल एक चम्मच, जितना आपका कांदे का रस उतना ही गुलाब जल, उतना ही नींबू का रस, लेकिन मध इसमें 3 से 4 फुट जाती, मैंने 3 से 4 चम्मच मध। अब ये जो सोल्यूशन तैयार हुआ है इसको बाटली में भर के रखेंगे, 4-5 महीने ये खराब नहीं होता। इसको रूम टेम्परेचर पे भी रखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको फ्रिज में रखना। खाली सीधे रूम टेम्परेचर पे रख के रात में सोते समय एक एक दो दो थेम आंख में डालते रहिए। 1-1.5 महीने के बाद आपका मोतियाबिंद खत्म कर देगा। और एक बीमारी है आंखों की जिसको ग्लूकोमा कहते हैं, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा माने काला पानी, आंखों में हमेशा काला काला दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं, उनकी भी ये सबसे अच्छी औषधि। और एक बीमारी है आंखों में जिसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, आंखों का ये जो रेटिनल पर्दा है ना ये खिंच जाता है आगे या पीछे, उसमें भी ये सबसे अच्छा काम आता है। अब इसमें आपत्ति के रूप में क्या है, अगर कोई जैन है, चुस्त जैन, एक तो वो कांदा यूज नहीं कर सकते और दूसरा मध भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऐसी ही बीमारी अगर है तो एक दूसरी औषध बता देता हूं। जो कांदा यूज नहीं करते और जो मध भी यूज नहीं करते उनके लिए बहुत अच्छी औषध इसी बीमारी में, जिनको कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, रेटिनल डिटैचमेंट है, उसकी औषध का नाम है गाय का मूत्र, गोमूत्र। गाय का मूत्र इकट्ठा कर लीजिए किसी बाटली में और उसको रख लीजिए। इसी को एक एक थेम आंख में डालना, बस सीधे सीधे गाय का मूत्र, गाय माने देशी गाय, देशी गाय का मूत्र एक एक थेम रोज रात को आंख में डालिए सोते समय, तो 1 से 1.25 महीने में ये भी आपका कैटरेक्ट ठीक कर देगा। 2-2.25 महीने में ग्लूकोमा ठीक हो जाता है और 3 महीने सतत डालें तो रेटिनल डिटैचमेंट ठीक कर देगा। 4 महीने लगातार डालेंगे तो चश्मा उतार देगा आपका। जो है जी वो मर्ज हो जाता है या बाहर निकलता है? मर्ज हो जाता है। वो एक्चुअली क्या है, मोतियाबिंद एक तरह से फैट है, वसा है, तो वसा जल जाता है, जल जाता है तो वो वहीं अंदर ही खत्म हो जाता है, बाहर नहीं निकलेगा।
जी छान के, अगर अगर गाय बड़ी है जो 3-4 बार मां बन चुकी है, उस गाय का मूत्र लेंगे तो फिल्टर कर लीजिए, और गाय की बछड़ी है तो वो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं क्योंकि वो बहुत शुद्ध होता है और काफी कुछ फिल्टर होके जाता है। आंखों के रोग में मैंने इससे अच्छी कोई औषध अभी तक नहीं देखी, गो मूत्र से अच्छी, एकदम टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है और एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं, हर गली हर गांव में उपलब्ध है। और गाय माता इतनी अद्भुत है कि वो कभी भी मूत्र देने के लिए पैसे नहीं लेती, आप डब्बा लगा दो भर लो, लेकिन रखने का है कांच की बाटली, तो कांच की बाटली में अगर आप इसको भर के रखेंगे तो ये कभी भी खराब नहीं होता। गोमूत्र 10 साल 15 साल 20 साल 40 साल तक सुरक्षित रखा रहता है, तो उसमें कभी भी जंतु नहीं पड़ते। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल में और गाय मूत्र में कभी भी जंतु नहीं पड़ते, माने गंगा जल की जितनी पवित्रता है गाय के मूत्र की भी उतनी ही पवित्रता है। तो इस गोमूत्र का आप भरपूर इस्तेमाल करिए आंखों के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।